नमो नमः। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ ममता ठाकुर और आज हम सातवीं कक्षा की मंथन, जो कि संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है, इसका पाठ दो लंग लकार, इसकी हिंदी व्याख्या भी करूंगी और इसका प्रश्न अभ्यास भी आपको इसी वीडियो के अंतर्गत मिलने वाला है। लंग लकार में जिन क्रिया शब्दों से क्रिया के पूर्ण होने का बोध होता है वो भूतकाल की क्रियाएं होती हैं और उसको लंग लकार में लिखा जाता है या लंग लकार में उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे स विद्यालयम अगच्छत, वह विद्यालय गया। सा भोजनम अखादत, उसने भोजन खाया। लंग लकार के प्रत्यय यहां पर दिए गए हैं जिससे आपको लंग लकार को याद करने में सरलता रहेगी। जैसे अ पठ अत अपठत, मध्यम पुरुष में अह प्रत्यय, उत्तम पुरुष में अम प्रत्यय, उसके बाद ताम द्विवचन में, द्विवचन मध्यम पुरुष तम और उत्तम पुरुष द्विवचन आव, उसके बाद प्रथम पुरुष बहुवचन में अन, मध्यम पुरुष बहुवचन में अत और उत्तम पुरुष बहुवचन में आम प्रत्यय का प्रयोग करके लंग लकार के धातुओं को लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। स गीताम अपठत, उसने गीता को पढ़ा। सा उद्याने अगच्छत, वह बाग में गई। तौ विद्यालयम अगच्छताम, वे दो विद्यालय गए। ते फलानि अखादन, उन्होंने फल खाए। त्वं गृहात् कदा अगच्छत, तुम घर से कब आए। युवाम स्वपाठम अपठत अपठतम, तुम दोनों ने अपना पाठ पढ़ा। यूयम लेखान अलिखत, तुम सबने लेख लिखे। अहम आपणम अगच्छम, मैं दुकान गया। आवाम चित्राणि अपश्याव, हम दोनों ने चित्र देखे। वयम जंतुशालाम अगच्छाम, हम सब चिड़ियाघर गए। यह रविवासर आसीत, कल रविवार था। वयम भ्रमणाय जंतुशालाम अगच्छाम, हम सब घूमने के लिए चिड़ियाघर गए। तत्र सरोवरे वर्तिकाः हंसाः च तरन्ति स्म, वहां पर तालाब में बत्तखें और हंस तैर रहे थे। सिंह पंजरे अगर्जत, शेर पिंजरे में गरज रहा था। द्वौ मृगौ इतः ततः अधावताम, दो हिरण यहां वहां दौड़ रहे थे। बालकाः तत्र वानरान दृष्ट्वा प्रसन्नाः अभवन्, बालक वहां पर बंदरों को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। किम यूयम अपि तत्र गच्छत, क्या तुम भी वहां गए थे। त्वं तत्र किम अपश्यः, तुमने वहां पर क्या देखा। सायं वयम् गृहम अगच्छाम, शाम को हम घर लौट आए। गृह कार्यम च अकर्वम, और गृह कार्य किया। अहम दुग्धम अपिबम, मैंने दूध पिया। पश्चात शयनाय अगच्छम, और उसके बाद मैं सोने के लिए चला गया। अब इसका प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, उचित पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। युवाम कविताम अस्मरतम, वयम उद्याने अगच्छाम, त्वं किम अवदह, ते छात्राः गृह कार्यम न अकुर्वन्, अहम जलम अपिबम। निम्न वाक्यों के निर्देशानुसार वचन परिवर्तन करके लिखिए। पहला है त्वम आपणम अगच्छः, इसको बहुवचन में लिखना है तो त्वम के स्थान पर हो जाएगा यूयम, आपणम ऐसा ही रहेगा और अगच्छः की जगह क्रिया हो जाएगी अगच्छत। ते फलानि अखादन, स फलानि अखादत। बालिका तत्र अधावत, तो इसका हो जाएगा बालिके तत्र अधावताम। आवाम असत्यम न अवदाव, इसका हो जाएगा अहम असत्यम न अवदम, एक वचन में परिवर्तित किया है हमने इसे। स पुस्तकम अपठत, इसको द्विवचन में परिवर्तित करना है तो हो जाएगा तौ पुस्तकम अपठताम। अहम दुग्धम अनयम, वयम दुग्धम अनयाम। कोष्टक में से उचित कर्ता पद को पद के द्वारा वाक्य को पूरा करें। यह पुस्तकालयम अगच्छाम, तो यहां पर हो जाएगा वयम। डैश भोजनम अखादताम बालकौ, डैश दुग्धम पास्यामि, अहम दुग्धम पास्यामि, डैश अत्र भ्रमन्ति महिलाः, अत्र भ्रमन्ति, डैश कक्षायाः बहिः अगच्छत्, स कक्षायाः बहिः अगच्छत्।
प्रश्न चार में वाक्यों को शुद्ध करके लिखने के लिए कहा गया है। अशुद्ध यहाँ पर दिए गए हैं, इसका शुद्ध रूप यहाँ पर दिया गया है। युवाम भ्रमणाय अगच्छताम, युवाम भ्रमणाय अगच्छतम। बालकः अध्यापकम् अनमन, बालकः अध्यापकम् अनमत। त्वं पुस्तकम् अनयत, त्वं पुस्तकम् अनयः। सैनिकाः युद्धक्षेत्रे अगच्छन्, सैनिकाः युद्धक्षेत्रे अगच्छन्। ये वाक्य बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर अशुद्ध लिखा है लेकिन ये वाक्य शुद्ध है, इसलिए हमने इसको बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर सामने इसके लिख देना है। तौ प्रातः उद्याने अभ्रमतम, तौ प्रातः उद्याने अभ्रमताम। वयम् भोजनम् अखादम, वयम् भोजनम् अखादाम। सूदः भोजनम् अपचतम, सूदः भोजनम् अपचत। कन्ये तरण ताले अतरत, कन्ये तरण ताले अतरताम। तरण ताल कहा जाता है तालाब में या स्विमिंग पूल में, अतरत मतलब तैरना। उसके बाद इसको भूतकाल में परिवर्तित करके आपको लिखना है वाक्य को। तो यूयम अध्यापकम नमत, तो यूयम अध्यापकम अनमत। स जलम पास्यति, स जलम अपिबत। आवाम तत्र न गच्छावः, आवाम तत्र न अगच्छाव। ते भिक्षुकेभ्यः वस्त्राणि यच्छन्ति, ते भिक्षुकेभ्यः वस्त्राणि अयच्छन्। कन्ये चित्राणि पश्यतः, कन्ये चित्राणि पश्यताम्। अहम् गृहं गमिष्यामि, अहम् गृहं अगच्छाम्। और त्वं किं करोषि, त्वं किं करोषि का क्या हो जाएगा, त्वं किं अकरोः। वयं पुस्तकं पठामः, वयं पुस्तकं अपठाम। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। मंथन भाग एक, भाग दो और भाग तीन, तीनों पुस्तकों की वीडियोस आपको इसी चैनल के अंतर्गत मिल जाएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।